वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटिफुल विद इन। और अगर मेरी चैनल ब्यूटी से रिलेटेड है और मैंने अपने चैनल पे इतनी सारे DIYs और इतनी सारी चीजें बताई हैं ब्यूटी से रिलेटेड, सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन आपके स्किन को अच्छा ग्लोइंग रेडियंट एंड ब्यूटीफुल रखने के लिए। सो दैट इज लैक्टोकैलामाइन लोशन। सो लैक्टोकैलामाइन लोशन तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये सारे डॉक्टर्स, जो स्किन डॉक्टर्स होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी रेकमेंड करते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर योर स्किन। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इसके रिव्यू के बारे में और इसे किस किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जो मैं बताऊँ आपको, लैक्टोकैलामाइन लोशन जो होता है दैट इज स्किन बैलेंस करने वाला लोशन है एंड इट इज डेली नरिशिंग लोशन जो इस पर लिखा हुआ है। अब बहुत टाइप के इसमें वेरिएंट्स आ गए हैं, सो आपके स्किन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। सो अगर आपकी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है उसमें भी आता है, देन इफ यू हैव एन ऑयली स्किन उसके लिए भी आता है, और जो ड्राई स्किन के पीपल है जैसे मेरे जैसे लोग हैं, ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो आप ये वाला ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप्स लैक्टोकैलामाइन लोशंस आते हैं। सो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है सो आप ऑयल कंट्रोल वाला लेंगे। सो अगर उसे अप्लाई करते हैं तो आपके स्किन में वो ऑयल का जो एक्सेस सेबम प्रोड्यूस करता है उसे स्टॉप कर देता है, सो ज्यादा ऑयल सिक्रीट नहीं होगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है जैसे मेरी है, वो उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। सो दिस वन विच आई हैव दैट इज लैक्टोकैलामाइन स्किन बैलेंसिंग डेली नरिशिंग लोशन विच इज हैविंग हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज इन टू इट। उसके अंदर क्या है, कैलोइन प्लस एलोवी अलग अलग आते हैं। सो मैं पिक्स दे दूंगी आपको किस तरह के तीन वेरियंट्स में आता है लैक्टोकैलामाइन लोशन, और ये अच्छी अच्छी एमएल्स में भी आता है। लाइक अगर आपको एक ट्रायल वर्जन लेना है सो आप 30 ml का भी ट्रायल ले सकते हैं। 30 ml का लोशन आता है एक छोटी सी बॉटल में, दैट इज कॉस्टिंग ₹60 अराउंड, और उसके बाद आता है एक 60 ml का, और उसके बाद आता है ये बड़ा वाला दैट इज 120 ml। जो 120 ml है मुझे मिला है ₹117 का, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो वेरियंट्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस है एंड यू कैन गो अकॉर्डिंगली। लैक्टोकैलामाइन लोशन इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन, वेरी नाइस, बिकॉज इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज्यादा क्रीमी एंड लोशन काइंड ऑफ टेक्सचर में होता है। इसकी खुशबू, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी नेचुरल है एंड इट इज नंबर वन लोशन के हैं। सो कैलोइन उसका मेन इंग्रेडिएंट है लैक्टोकैलामाइन का, दैट्स व्हाई द नेम सजेस्ट लैक्टोकैलामाइन। और कैलोइन जो होता है कंटेन्स अ नेचुरल मिनरल्स, एक्ट्स एज एन एक्सफोलिएटर एंड इट हेल्प्स इन डेड स्किन रिमूवल। इट हैज जिंक ऑक्साइड विद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम एक्ने ब्रेकआउट्स एंड इट हेल्प्स रिड्यूस द डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस एज वेल। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें जो मेरा जो ड्राई स्किन वाला है दैट इज एलोवेरा। आप लोगों को पता ही है एलोवेरा अपने स्किन के लिए कितना अच्छा है एंड बेनिफिशियल है। सो द एलोवेरा हेल्प्स टू रिटेन द नेचुरल मॉइस्चर इन द स्किन एंड रिस्टोर्स द वाटर लेवल। सो जो ड्राई स्किन की जो पीपल होते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है और मॉइस्चर लैक करती है, सो ये प्रोवाइड करता है उसमें हाइड्रेशन द एलोवेरा। सो डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया लैक्टोकैलामाइन आपको चूज करना है। And it maintains the pH of the skin for essentially for glowing skin and healthy beautiful skin. It gives you healthy glowing and nourished skin. So basically ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ लैक्टोकैलामाइन लोशन को आपको घर में क्यों रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको इसे नेचुरल एज अ लोशन तो अप्लाई करना ही है, लेकिन बहुत सारे जो DIYs हैं उसमें भी मैंने इसे अप्लाई किया है। लाइक एक आपने देखा होगा स्ट्रेच मार्क का जो रिमूवल का जो मैंने वीडियो बताया था, उसमें मैंने एक घर का DIY स्ट्रेच मार्क रिमूवल क्रीम बनाया था, उसके लिए मैंने खास बताया था उसमें लैक्टोकैलामाइन लोशन डालने के लिए, बिकॉज ये आपके स्ट्रेच मार्क्स तक को भी रिमूव कर देता है, इसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। सो एक वो बात मैंने आपको बतानी थी। दूसरी, जो अगर आप ग्लो सीरम्स बनाते हैं जो एलोवेरा को मिक्स करके आप चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। एक DIY ग्लो सीरम के लिए मैं बहुत यूज करती हूँ मेरे घर पे, सो उस ग्लो सीरम में भी मैं इसे डालती हूँ टू मेंटेन द pH एंड हैविंग अ ब्यूटीफुल हेल्दी ग्लोइंग पिंकी ग्लो स्किन। थर्ड थिंग है कि इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज्यादा लिक्विडी है, तो आपको दिखाती हूँ मैं इसकी कंसिस्टेंसी। सो मैं इसे बहुत यूज करती हूँ, सो आप देख सकते हैं इसकी जो ऐसी लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आता है ये ऐसे। सो ये इतना थिन टेक्सचर में है, सो एज अ प्राइमर ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करने वाला है आपके स्किन पे। सो यू कैन अप्लाई इन अ डॉटेड मोशन और आप अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद अगर आप आपका मेकअप करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप मेकअप को स्टे लॉन्गर रह सकता है, जैसे आप प्राइमर जैसे हम यूज करते हैं। सो एज अ प्राइमर इसे ऐसे बेस में आप अप्लाई कर लीजिए एंड यू कैन यूज दिस लैक्टोकैलामाइन ऑन ऑल द बॉडी पार्ट्स। लाइक आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, हैंड्स पे, लेग्स पे, कहीं पे भी। सो दिस इज द वन, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है एंड बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। सेकेंड थिंग आपको मैं बताऊं, एक तो प्राइमर मैंने आपको बता दिया, दूसरी चीज आपको एज अ लोशन आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई ऑयल डालना है जैसे तेजस तेलम है या फिर एलमंड ऑयल है या फिर कोई विटामिन ई है, आप इसमें अच्छे से डाल सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं टू नरिश योर स्किन मोर।
एक्चुअली चीज है, जब अभी हम थ्रेडिंग करते हैं हमारे आईब्रोज की, तो आप देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा रेड हो जाती है हमारी वो स्किन जो आईब्रोज हम करने जाते हैं, या अपर लिप्स अगर आप कर रहे हैं, सो आपकी जो इन्फ्लेम्ड स्किन हो जाती है, बर्निंग जो आपको इरिटेटिंग लगती है, इरिटेट होता है वो स्किन, उस पर आपको थोड़े ड्रॉप्स लगा देने हैं आपके आईब्रोज पे, इतना सूदिंग लगेगा आपको और इमीडिएटली एक आइस जैसा लगेगा आपको, एंड इट विल मेंटेन दैट स्किन वाइटलिटी. बिकॉज क्या होता है कि हम जो आईब्रोज प्लग करते हैं हमारी स्किन लूज हो जाती है बार बार उसे प्लग करने से. सो अगर आप इलेक्ट्रोकैलामाइन लोशन वहां लगा देते तो इट हैज स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज. आप आपके अपर लिप्स में भी लगा सकते हैं जब अपने अपर लिप्स करे होते हैं. सो बम्स आ जाते हैं, यू नो, थोड़े से दाने जैसा हो जाता है, लाल हो जाता है बहुत वो एरिया. सो आप इसे आपका इलेक्ट्रोकैलामाइन लोशन वहां लगा सकते हैं. देन अगर हम थ्रेडिंग और अपर लिप्स की बात करते हैं तो हम वैक्सिंग की भी बात करें. बहुत लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो जब हम वैक्सिंग करते हैं तभी जब हम पुल करते हैं और हमें बम्स आ जाते हैं या रेड हो जाती है, रैशेज हो जाती है, तो आप वहां पे भी इलेक्ट्रोकैलामाइन लोशन लगा सकते हैं. दूसरी चीज अब इलेक्ट्रोकैलामाइन की यह है कि अगर आप सन में आते हैं और सन टैन हो गया है, ये इलेक्ट्रोकैलामाइन लोशन सन टैन रिमूवल के लिए भी बहुत ही अच्छा है. रोजाना अप्लाई करने से आप देखेंगे कि आपका टैन भी बहुत ही जल्दी कम हो जाता है. लाइक पैरों पे निशान पड़ जाते हैं, वो चप्पल की जो मार्क पड़ जाती है, यू नो एग्जैक्टली लाइक आपके फुट पे वो एरिया जो होती है, चप्पल का जो निशान होता है वो बन जाता है और इतना टैन हो जाता है अपना फुट. सो आप रोजाना उस पर मालिश करें इलेक्ट्रोकैलामाइन की, एंड यू विल सी दैट आपका विद इन लाइक 3-4 वीक्स आप देखेंगे कि रिडक्शन हो जाता है, टैन रिमूव हो जाता है वहां से. नेक्स्ट आपको कहूंगी कि आप इसे नाइट क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रोकैलामाइन को थोड़ा सा लेना है एंड यू हैव टू अप्लाई अंडर आई एरिया में अप्लाई कर लीजिए, या फिर नाइट क्रीम की तरह आप इसमें कुछ लैवेंडर ऑयल मिक्स कर सकते हैं और नाइट क्रीम की तरह आप इसे अप्लाई कर सकते हैं टू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल नरिश्ड स्किन. सो गाइज ये सारी चीजें हैं. एक्ने और पिंपल्स के लिए अगर आपको यूज करना है तो आप डायरेक्टली वो इलेक्ट्रोकैलामाइन को आपके पिंपल पे अप्लाई करिए एट नाइट, और थोड़ा सा ज्यादा वहां अप्लाई करिए. आपके फेस पे तो आपने अप्लाई किया ही होगा, और एक्ने पे थोड़ा ज्यादा वहां पे लगा दीजिए. रोजाना ऐसा करने से वो पिंपल कंप्लीटली चला जाएगा, ब्लेमिशेस के मार्क्स चले जाते हैं, रैशेस, बहुत सारी चीजों पे आप इसे यूज कर सकते हैं. एंड ये एक मल्टीपर्पज लोशन है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा काम करता है एक लोशन की तरह, एक क्रीम की तरह, और बहुत सारे DIYs में भी आप इसे यूज कर सकते हैं. सो इट इज अ मल्टीपर्पज वन एंड इट इज अ ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट टू हैव इन योर हाउस. सो येस गाइज, दिस वॉज अ रिव्यू एंड द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रोकैलामाइन लोशन. अगर आपको ये रिव्यू और ये यूसेजेस पसंद आए हो तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन डाउन बिलो. और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन होगा, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए. सो टिल देन आई सी यू माई नेक्स्ट वीडियो. बी ब्यूटिफुल, बी गॉर्जियस एंड ऑलवेज कीप योर स्किन हेल्दी एंड ब्यूटिफुल. बाय.